कि महा विकास अघाड़ी में अभी तक जो मीटिंगें हो रही है ना, वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार साहब की, उद्धव जी की शिवसेना, तीन ही पार्टी की मीटिंगें हो रही हैं और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनकी मीटिंग बाकी है। मैं अपने ट्वीट के जरिए उनको याद दिला रहा था कि बहुत लेट हो रहा है, आप लोग लिस्टें फाइनल कर रहे हैं और मैंने सुना कांग्रेस कुछ अनाउंस करने जा रही थी, तो मैंने कहा आप अनाउंस करने के पहले हमें कॉन्फिडेंस मिल लीजिए, कितनी सीटें हमें देंगे, नहीं देंगे, क्या है ये, इसलिए मैंने ट्वीट किया था। नाराजगी नहीं है, लेकिन उनको मैं याद दिला रहा था कि हम भी एक हैं महा विकास अघाड़ी के, हम लोगों ने पूरे इंडिया अलायंस में काम किया, बहुत फ़ायदा हुआ, और अखिलेश जी, राहुल जी के ताल्लुकात भी अच्छे हैं, बातचीत भी इनकी होती है। मैंने दोनों को भेज दिया कि दोनों कल कश्मीर में थे, तो मैंने ट्वीट कर दिया कि लोग पढ़ लेंगे तो शायद ये लोग आपस में बात करके जल्दी फाइनल कर दें। समाजवादी पार्टी कितनी सीट मांग रही है? सर मैं 12 सीटें मांग रहा हूँ और वो सीटें मांग रहा हूँ जहाँ पर मुझे वही सीटें चाहिए जहाँ पर मेरे जो पार्टियाँ महाविकास अघाड़ी में है जिनका सीटिंग नहीं है, कई बार से सीटिंग नहीं है, वही सीटें मांग रहा हूँ। भिवंडी में 90 से उस भिवंडी वेस्ट पर कांग्रेस चुनकर नहीं आई है। आज भी मैं कहता हूँ कि यदि वो सीट छूट जाएगी और कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस चुनकर नहीं आएगी, वो सीट मुझे दे दें, मैं चुन के आ जाऊँगा। क्या आप सेक्रीफाइस करने के लिए राजी हैं? क्योंकि अगर सीट अगर भिवंडी की मालेगांव में जाती है तो क्या आप राजी होंगे? नहीं देखिए, इस पर तो अखिलेश जी मुझे बताएंगे, जो कहेंगे वो करूंगा मैं, लेकिन मैं तो कोशिश करूंगा कि मेरी सीटें मुझे मिले। अखिलेश यादव का दौरा है महाराष्ट्र? जी हाँ, अखिलेश भाई आ रहे हैं और कम से कम महाविकास अघाड़ी के लोग, इतने बड़े नेता श्री अखिलेश यादव जिनकी पार्टी देश में तीसरे नंबर पर है, वो आएंगे, मालेगांव जाएंगे, वहाँ कर जाएंगे, धुलिया जाएंगे, ये नेता लोग देखेंगे तो क्या ये सीटें उनको नहीं देंगे? जरूर देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।